हर हर महादेव दोस्तों, अगर आप चारधाम की यात्रा पहली बार करने का प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाया, क्योंकि जो लोग पहली बार चारधाम यात्रा करते हैं रजिस्ट्रेशन करने में शायद उनको छोटी मोटी दिक्कतें आ सकती है। तो वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो जैसे कि आपको पता है कि 15 अप्रैल 2024 से चारधाम की यात्रा का रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है, तो चलिए समझते हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप यहाँ पे केदारनाथ धाम रजिस्ट्रेशन लिख सकते हो या चारधाम रजिस्ट्रेशन लिख सकते हो गूगल पे। इसका ऐप भी अवेलेबल है, ऐप का लिंक भी मैं आपको दे दूंगा। दोनों का प्रोसेस बिल्कुल ही सेम है, सिर्फ ये मैं कंप्यूटर से कर रहा हूँ, वो आप ऐप से भी कर सकते हो, मोबाइल से भी कर सकते हो, दोनों प्रोसेस बिल्कुल ही सेम है। तो जैसे ही आप लिखोगे इस तरह से आपका लिंक यहाँ पे आएगा, इस लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करोगे डायरेक्टली आप इस पेज पर पहुँच जाओगे। तो इस लिंक को क्लिक करने के बाद इस तरह से आपका ये पेज खुल के आ जाएगा। तो जैसे ही आप रजिस्टर और लॉगिन वाले पेज पे आओगे तो आपका इस तरह से इंटरफेस खुल के आएगा, जहाँ पे लिखा होगा एक तरफ रजिस्टर और दूसरा है लॉगिन। यहाँ पे जो रजिस्टर लिखा हुआ है इसका मतलब है साइन अप। जब आप पहली बार साइट पे आते हो तो आपको साइन अप करना पड़ता है, ये साइन अप बार बार नहीं करना पड़ेगा, आपको लाइफ में एक ही बार करना पड़ेगा। तो आपका साइन अप करने के लिए आपको पहले यहाँ पर अपना नाम लिखना है, नाम के बाद आपको फ़ोन नंबर देना है, अगर आप इंडिविजुअल हो तो इंडिविजुअल और फैमिली के साथ जा रहे हो तो फैमिली, तो हम इंडिविजुअल मान के चलते हैं। फिर यहाँ पर पासवर्ड हम डालेंगे और साइन अप पे क्लिक करेंगे। साइन अप पे क्लिक करते ही हमारा एक ओटीपी आएगा, जो यहाँ पे हमने मोबाइल नंबर डाला होगा वहाँ पे एक ओटीपी आएगा, फिर आपका साइन अप हो जाएगा। तो ये साइन अप आपका परमानेंटली हो जाता है, लाइफ में एक ही बार करना पड़ता है। अगर आप अगली साल फिर से जाओगे धाम की यात्रा के लिए तो आप इसी साइन अप के थ्रू लॉग इन कर सकते हो। तो मैं मान के चलता हूँ कि आपने साइन अप कर लिया होगा। साइन अप करने के बाद आप लॉगिन वाले पेज पे आओगे तो लॉगिन करने के बाद इस तरह से आपका डैशबोर्ड खुल जाएगा। तो इस डैशबोर्ड पे आने के लिए आपको माय अकाउंट पे क्लिक करना पड़ेगा। तो डैशबोर्ड पे यहाँ पे चार ऑप्शंस आपको दिखेंगे। पहला है पंजीकरण का, जैसे रजिस्ट्रेशन करने का ये टैब है, उसके बाद अगर आपको मॉडिफाई करना है रजिस्ट्रेशन को तो यहाँ पर आप जाके कर सकते हो दूसरे वाले पे। तीसरा रजिस्ट्रेशन का यूज़र मैनुअल है कि इसमें कुछ जानकारी वगैरह दी हुई है कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। और चौथा जो ऑप्शन उसमें आप रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हो। तो अभी हम पहले वाले ऑप्शन पे जाएंगे और अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू करेंगे। तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पे इस तरह के कुछ इन्फॉर्मेशंस आपको फिल करने पड़ेंगे। तो पहला है चारधाम रिलीजियस, तो ये आपको एज इट इज़ रखना है, इस पहले वाले को कुछ चेंज नहीं करना है। दूसरे वाले पे आपको डेट डालना है, डेट यहाँ पे डालते हैं, सपोज़ हम कोई भी रैंडम डेट आपका अभी डाल के मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। डेस्टिनेशन यहाँ पर आप केदारनाथ डालेंगे, या अगर आपको और भी धाम ऐड करने हैं तो यहाँ पर आप जाके ऐड कर सकते हो और भी धाम। तो अभी हमने केदारनाथ लिख दिया और यहाँ पर फिर से हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर अप्लाई वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे। तो ये हमारा डेट यहाँ पे शो हो रहा है कि जो डेट हमने सिलेक्ट किया था वो डेट यहाँ पे शो हो रहा है। इसके बाद चेक अवेलेबिलिटी का यहाँ पे ऑप्शन होता है, अगर यहाँ पे ग्रीन आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे स्लॉट्स खाली है, और अगर यहाँ पे रेड है, जैसे मई के महीने में ये रेड्स दिखा रहे हैं तो रेड है मतलब यहाँ पर कोई स्लॉट नहीं है, तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आपको नहीं मिलेगा। तो इसको बंद कर देते हैं। इसके बाद नंबर ऑफ़ टूरिस्ट आपको ऐड करना है, कितने लोग आप जा रहे हैं इसमें ऐड करना है। इसके बाद यहाँ पे बाय रोड जा रहे हैं आप, बाय हेलीकॉप्टर जा रहे हैं या बाय वॉकिंग जा रहे हैं, तो ये भी आपको ऐड करना है। तो हम बाय रोड ही लिखेंगे, अगर हम बाय रोड जाते हैं मतलब वॉक करके भी जाते हैं तो बाय रोड हो गया, खच्चर से जा रहे हैं, पालकी से जा रहे हैं तो इसमें भी बाय रोड ही हो सकता है। अगर आप हेलीकॉप्टर जा रहे हैं तो वो अलग से आपको यहाँ पर हेलीकॉप्टर सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद केदारनाथ यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है। इसके बाद डेट सिलेक्ट, डेट ऑफ टूर, किस टूर, किस डेट को आप मतलब जा रहे हैं, यहाँ पे ये हो गया। जैसे आप फिल नहीं करेंगे तो आपका नहीं आएगा, तो ये सिक्स्ट, ठीक है, ये सब हमने अभी फिल कर दिया। ये हो गया, डेट सिलेक्ट हो गया, अवेलेबिलिटी हमने चेक कर ली, यहाँ पे केदारनाथ भी हमने सिलेक्ट कर लिया था, ये केदारनाथ यहाँ पे आ चुका है। अगर आप दूसरा भी ऐड करेंगे तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये हमारा डेट यहाँ पे शुरू हो गया, यहाँ से हम शुरू यात्रा शुरू करेंगे इस डेट से। तो इसको अभी हम सेव कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया टूर क्रिएटेड सक्सेसफुल, ये हमारा टूर नंबर है, इसका आप फोटो भी खींच के रख सकते हो, अदरवाइज आपका यहाँ पे आ भी जाएगा। तो ये हो गया। इसके बाद अभी शुरू होता है हमारी डिटेल्स फिल करने की बारी, ठीक है। हमारा टूर ये जैसे अभी दिखाया था, ये हमारा टूर का नंबर है, जो टूर हमने जनरेट किया ये टूर नंबर है, ठीक है।
इसके बाद यहाँ पे आप अपना नाम फिल करेंगे, ये नाम आप सही से फिल कीजिए, गलती ना हो, यही नाम पे आपका पूरा सर्टिफिकेट बन के आएगा। उसके बाद आपको एज फिल करना है, मेल फीमेल फिल करना है, ईमेल एड्रेस आपको डालना है, यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट आएगा। फिर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, उसके बाद आधार नंबर डालना है, और इसमें एक यहाँ पर ऑप्शन भी दिया हुआ है, इज़ दिस व्हाट्सअप नंबर ऑल्सो, जो मोबाइल नंबर आप देंगे उस पर व्हाट्सअप है कि नहीं वो भी आप यहाँ पर टिक कर सकते हैं, अगर है तो यस, अगर उस नंबर पर व्हाट्सअप नहीं है तो नो, टिक नहीं करना है। फिर यहाँ पे आप आधार कार्ड नंबर डालेंगे, फिर इंडिया हो गया, आपका एड्रेस यहाँ पे डालना है जो आपका घर का एड्रेस है, फिर सिटी डिस्ट्रिक्ट फिर स्टेट, ठीक है, ये सब आपने डाल दिया। उसके बाद ये एक ज़रूरी चीज़ है, एक कॉन्टैक्ट पर्सन का आपको नाम नंबर और आपका रिलेशन आपको यहाँ पे देना है, अगर आपकी कोई दिक्कत आ गई वहाँ पे, कोई आपदा आ गया, कोई प्रॉब्लम आ गई तो कॉन्टैक्ट करने के लिए एक पर्सन का यहाँ पे डिटेल्स आपको देना है, तो कोई भी प्रॉब्लम में वो इस इंसान को फ़ोन करेंगे इमरजेंसी के टाइम। इसके बाद आता है आई एम ए डॉक्टर, अगर आप डॉक्टर हैं तो यहाँ पे टिक कीजिए, नहीं है तो फिर मत कीजिए। मोड ऑफ ट्रैवल फॉर धाम, कैसे जा रहे हैं आप, बाय बस, प्राइवेट कार, टैक्सी, टू व्हीलर, तो जैसे ही आप जा रहे हैं इसका डिटेल आप फिल कीजिए, प्राइवेट गाड़ी है तो प्राइवेट गाड़ी दीजिए, अगर आपको हेल्थ का कोई इशू है तो इसमें मार्क कर दीजिए, कार्डियक, अस्थमा, कोई भी प्रॉब्लम है तो इस पर आप मार्क ज़रूर कर दीजिए, तो उनको पता चलेगा। फिर इसके बाद एक पासपोर्ट फ़ोटो आपको यहाँ पर अपलोड करना है, अगर है तो यहीं से अपलोड कीजिए, नहीं तो टेक ए प्रोफाइल पिक्चर, तो आप यहां से भी अपना फ़ोटो लेके यहां पे अपलोड कर सकते हैं। फिर एक आइडेंटिटी कार्ड की बारी आती है, आइडेंटिटी प्रूफ में आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट और वोटर आईडी, ये चार चीज़ें यहां पे चलती है, तो यहां पे जाके चूज फाइल पे जाके आप अपलोड कीजिए, अगर नहीं है फ़ोटो तो यहां से डेक आइडेंटिटी प्रूफ डायरेक्ट फ़ोटो खींच के अपलोड कर दीजिए। वैक्सीनेटेड है, वैक्सीन सबने ले रखा है तो इस पर टिक कर दीजिए, इसके बाद फिनिश कर दीजिए। अभी मैंने कुछ भी फिलअप नहीं किया, तो फिनिश करने के बाद कुछ नहीं आएगा, तो मैं फिनिश होने के बाद किस तरह से आपका सर्टिफिकेट आता है वो दिखाता हूं। इसके बाद मैनेज टूर पे अगर हम जाते हैं तो मैनेज टूर पे ये जैसे हमारे टूर्स मैंने ये ट्यूटोरियल के लिए बनाया था, तो इस तरह से आपका टूर सिलेक्ट हो जाता है, ये बन जाते हैं टूर्स अलग अलग। तो अभी ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये टूर जनरेट किया था, तो यहाँ पे ऐड पिलग्रिम भी कर सकते हैं, अगर आपके साथ और भी कोई जुड़ना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, तो ऐड पिलग्रिम पे जाके आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब फिर से हम होम पे जाते हैं, होम पे जाने के बाद एक और चीज़ बताता हूँ कि आप कैसे कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने जो बताया वो ऑनलाइन हो गया वेबसाइट पे जाके, उसके अलावा आप ये टूरिस्ट केयर उत्तराखंड ये ऐप है, ये आप iOS और Android दोनों के लिए डाउनलोड करके यहाँ से भी आप कर सकते हैं, ऐप के थ्रू, मोबाइल के थ्रू, और WhatsApp पे भी अगर आप ये नंबर, फ़ोन नंबर ऐड करते हो, ऐड करके इस फ़ोन नंबर पे टाइप करते हो यात्रा, तो आपके पास ऑटोमेटिक मैसेज आएगा, उसका जब आप रिप्लाई करोगे तो आप इस तरह से भी WhatsApp के थ्रू भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो ये था एक छोटा सा ट्यूटोरियल चारधाम यात्रा के रजिस्ट्रेशन के ऊपर, होपफुली आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो कि चारधाम यात्रा का इस बार प्लान कर रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि मैं चारधाम यात्रा के ऊपर काफ़ी सारे वीडियोज़ आने वाले दिनों में लाने वाला हूँ, और काफ़ी सारे अलग अलग जगह से ट्रैवल वीडियोज़ आपके लिए मैं लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए और घूमते रहिए अपने दोस्तों और फैमिली के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय।